मायरी तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। अब जब जाओगे ना अपने घर तो टॉक टू योर फादर, अपने अब्बू से बात करना। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे छोटे भाई के साथ शुड मैरी इफ्रा। तुझे जैसे बेहतर लगे, इस मसले को आप ही ना बिगड़ना। मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। खालूजान, खालूजान, कहाँ जा रहे हीरो? मैं तो लाहौर जा रहा हूँ। लेकिन क्यों? आर्डर आए हैं, तेरी मंजिल बदल गई है, अब तू हमारे साथ जाएगा। लेकिन आप लोग हैं कौन और मुझे कहाँ और क्यों लेके जाना चाहते हैं? मेरे सवाल खत्म और तेरे जवाब। तनोली, लगता है याद है इसे, अभी मिला नहीं है बहूजी से। लेकिन मुझे उसके पास उसके नहीं उनके पास। सॉरी, लेकिन मुझे आप उनके पास क्यों लेके जाना चाहते हैं आप? अब हमारे पास जवाब नहीं, सिर्फ गोली है। खाएगा या जाएगा? फोन। ओह शिट, यार बैटरी डेड है, चार्जर ढूंढ मेरा, जल्दी कर। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। तो अच्छा हुआ खुद ही घर आ गया, मैं तो जा रही थी दुकान पे। क्यों, खैर है? हाँ खैर है, खैर से। शुजा आ रहे हैं। शुजा आ रहा? तुझे कैसे पता भाई? फोन आया था उसका, आज रात को पहुंच रहा है खैर से। सब ठीक ठाक है ना? हाँ सब सत्य खैर है। तो मैं ना उसकी पसंद का खाना बना रही थी, कलेजी, तो जरा जाके कलेजी तो ले आ। कलेजी? इस टाइम कलेजी कहाँ से मिलेगी भाई? नहीं क्यों नहीं मिलेंगी, मजाक जा रहा। वो मोटा वाला कसाई नहीं सज्जे पास, उसके खब्बे पास नीचे बैठा होता है छोटा वाला कसाई, उसके पास रात 2 बजे तक मिलती है, जा लेके आ। ये तुझे कैसे पता है भाई? नहीं याद नहीं है, जब शुजा आने वाला था तो मुझे मोटरसाइकिल पे लेके जाता था, फिर ले जाता था। तो अपनी कीतियां अपने अगे आ रही हैं। ओ यार तेरे सामने मैं सारे दिन का, मुझे पता है सुबह का थका हुआ है तू, लेकिन आज ला दे बस, उसके बाद तो मेरा शुजा आ जाएगा, तेरा हाथ बटाएगा।
ओए अच्छा भाई अच्छा ले आता हूँ। अच्छा पकड़, तू मसाला की तैयारी कर, मसाला भुनना शुरू कर, मैं गेहूँ गया तो यूँ ठीक है। साफ साफ लेके आई। अच्छा सबके जाए कि मैं कभी किसी आशिक को देखा है? हाँ हाँ ना मेरे अब्बा जी बहुत इश्क करते हैं मेरी माँ से, उससे भी ज्यादा अपनी औलाद से। अगर दूसरी मिसाल आपको दूं तो मेरी अम्मा जी बला की मोहब्बत करती, अपनी औलाद से बहुत प्यार करती हूँ, और उससे भी कहीं ज्यादा अब्बा जी से। जाने दी, इसके माँ बाप इसका इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हें छोड़कर ही जाऊंगा। अगर मुझे ना छोड़ा तो जा नहीं सकोगे। परवाह नहीं। बहुत मोहब्बत करता हूं, कोई तीसरा नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। मेरी जिंदगी इन्हीं पे खत्म होती है सर, तीसरा भला क्यों आएगा। लो आ गया, हमेशा की तरह तुम्हारी सिफारिश बनकर तीसरा भी आ गया। शैला बहुत बहुत ख्याल रखती हूँ।
ये देख रहे हो? मलिका कैद में? गलत। मेरी नजर से देखो तो मलिका पहरे में है। जगह बदलने से सोच बदल जाती है सर। जैसे कि आप अपनी जगह पर खड़े हैं और मैं आपकी दी हुई जगह पर। मोहब्बत में भी कोई मकाम होता है क्या? मोहब्बत में इल्जाम होता है सर, मकाम नहीं होता। मर गए तो क्या करोगे? कुछ आंखों में आंसू बनकर बेहतर हो। आगे खैर से ले भाई। फातिमा ऐसा फड़ कर दीजिए, बड़ी मुश्किल से। बड़ी अच्छी है। वो तुमसे कितना प्यार करती है? ये तो मैं नहीं जानता बिल्कुल, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जब भी मैं नाराज होता हूं, रूठ जाता हूं, तो वो मुझे मनाने आ जाती है। एक और सवाल, ये मोहब्बत मुकद्दर से क्यों जुड़ी होती है? जिसके नसीब में जुदाई लिखी हो ना, तो किसी ना किसी चीज से जुड़ती जरूर है। तो फिर मुझसे क्यों नहीं जुड़ती वो? मैं भी तो आशिक हूं उसका जो तुमसे मोहब्बत करती है। चाहता हूं उसे हर चाहत से पहले, मरता हूं उस पर जिंदगी से पहले। लेकिन उसने तो पहले कभी नहीं बताया। उसे खबर नहीं है। तो फिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? तुम्हारी जिंदगी। तुम मर गए तो दिलासों की आगोश में छुपा लूंगा उसे। अगर वो मर गई तो? जाने दो इसे, डील हम कर लेंगे। डील? हाँ ना, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। अपने माँ बाप को चाहता है मेरी मोहब्बत से पहले। मैंने तो सुना था कि मोहब्बत खुद गर्ज नहीं होती। आज पता चला है कि मोहब्बत से ज्यादा खुद गर्ज कोई नहीं। इसकी चाहत की बड़ी फिक्र है तुम्हें, पर हमारी चाहत का कोई मोल नहीं। मोहब्बत मुफ्त में मिलती है बाबूजी, मगर ये महंगी बहुत पड़ती है। इसे जाने दें, इसके माँ बाप इसका इंतजार कर रहे हैं। नहीं शर, मैं तुम्हें छोड़कर ही जाऊंगा। अगर मुझे ना छोड़ा तो जा नहीं सकोगे। परवाह नहीं। तुम ना गए तो मैं मर जाऊंगी। अगर तुम्हें छोड़कर गया तो जिंदा मैं भी नहीं रह सकूं।
मोहब्बत इतनी बुजदिल होती है, ये आज पता चला। जो लोग मोहब्बत को मारते हैं, मोहब्बत उन्हें क्यों नहीं मारती? खुद क्यों मर जाती है? मोहब्बत को मरना आता है, मारना नहीं। ये मर कर भी जिंदा रहती है किसी दूसरे के लिए। लेकिन आज मोहब्बत करने वाले नहीं मरेंगे, जिंदा रहेंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, इसके दुखों को समेटते हुए मैंने जिंदगी गुजारी है। इसकी खुशी में अपनी खुशी देखी है। जिसे इसने चाहा, मैंने भी कभी उससे नफरत नहीं की। मेरी जिंदगी का सफर जिस रास्ते पर चल रहा है, वहां मौत आंखें खोले मेरा इंतजार कर रही है। मेरी वजह से इसे मजीद कोई दुख ना मिले, इसके लिए आजमा रहा था मैं तुम्हें। ले जाओ इसे, इसकी याद को हम अपना नसीब बनाकर जी लेंगे। बहू जी, आपने जाने दिया उन्हें? हाँ, उसकी जिंदगी में दुख मेरी वजह से आए थे। ना मेरे हाथों उसके भाई का कत्ल होता, ना उसकी जिंदगी में दुख आते। आज मैंने उसे उसकी खुशियां लौटा दी। तुम जाओ। फ्लाइट तो मिस हो गई है, माँ जी और अब्बा जी इंतजार कर रहे होंगे। तो उन्हें फोन करके बता दो ना। नहीं अब्बा जी, बहुत नाराज होंगे यार। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं दूसरे ट्रैवल एजेंट को कॉल करके पूछता हूँ, क्या पता फ्लाइट में जाए दूसरी।
हेलो जी, थैंक यू। अगले दो दिन तक कोई सीन नहीं है, ये सारी फ्लाइटें बुक हैं। क्या करूं क्या करूं, किसी तीसरे को कॉल करके पूछता। लग रहे हैं हमें सेलफोन डेड हो गया, अभी अभी डेड होना था। दस डेढ़ बज गया है, वो अभी तक नहीं आया। कह रहा था 12 बजे तक आ जाऊंगा, फोन तो करता ना। और मैं नहीं करता फोन, आप ही कर ला। आपका मतलब नंबर इस वक्त बंद है। फोन तो बंद है उसका। बस तो फिर इस दफा उसने मजाक किया है हमारे साथ। आले जरा, दो चपेड़े इधर, दो चपेड़े इधर लगाऊंगी। सब बातें हैं, आज तक कभी हाथ नहीं लगाया तूने। अच्छा अभी ये बता, इस कलेजी का क्या करना है? डाल देती हूँ, मैं शौक से बनाई थी मेरे। बस बस फिर ले लूंगा, कोई बात नहीं। सुभान अल्लाह। ले भाई फातिमा, कलेजी किसी चीज की भी हो, बस पकी हुई तेरे हाथ की होनी चाहिए। आए कसूरी मेथी की खुशबुएं, वाह वाह। सुभान, अजा बदनसीबा, तेरे नसीब ही नहीं थी। अब आएगा, अब नहीं मैंने ला के देनी। मजांग में फावा हो गया हूँ ये कलेजी ढूंढते ढूंढते। खा दे, कुछ नहीं होता ना जीता जैसे। छोटी सी पोटी थी, सही कह रहा था। सच्ची वैसे है, सही बात। परेशान ना हो, सुबह पता करते हैं ना, हो जाएगी किसी ना किसी फ्लाइट पे टिकट।